हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब? ओके, हमने क्या देखा था? चैप्टर नंबर 4th का पार्ट 1 हमने देख लिया। अभी पार्ट 2 की बारी है, तो आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने देखा कि अनुपमा है, वह अपनी दीदी के साथ कहाँ से कहाँ जा रही थी। चलो, किसको याद है कहां से कहां जा रही थी? अनुपमा है, वह अपनी दीदी के साथ विद्यालय से घर जा रही थी। ओके, उसके घर कौन आया था? दादाजी। अरे वाह, सबको याद है भाई, सबको याद है। और आगे आज हम देखेंगे क्या आने वाला है उसमें। स्टैंडर्ड 5 हिंदी, पृथ्वी को चढ़ा बुखार, पार्ट नंबर 2। उसका पार्ट नंबर 2 है वो आज हम देखने वाले हैं। उसमें हमने देखा था कि अनुपमा के स्कूल के अध्यापिका है, उसने बताया था कि पृथ्वी को बुखार चढ़ा है, यानी कि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, पृथ्वी बीमार हो रही है, यानी कि गर्मी का माहौल बढ़ता जा रहा है और इसी तरह लगातार ये जो गर्मी है वो बढ़ती गई। तो क्या होगा, जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु है वो क्या होंगे, नाश हो जाएगा उसका। और फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे मनुष्य भी नाश हो जाएगा। तो इस तरह ये जो संकट है वो हम पर आने में कुछ देर नहीं है, तो हमें भी कुछ ध्यान रखना चाहिए। तो उस टाइम हमने क्या देखा, वो हम पहले देखते हैं कि उसके दादाजी है वह भी वही बात बता रहे हैं। लास्ट में हमने देखा था कि दादाजी बता रहे थे कि ये जो मौसम है उसमें भारी बदलाव आ रहा है। मार्च और अप्रैल में बारिश हो जाती है और फिर जून जुलाई में बारिश नहीं होती है, लास्ट में सितंबर में होती है। तो इस तरह जो ये बारिश का रूप है उसमें क्या आ गया, चेंज आ गया है। तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हमें हो रही है कि क्या होता है कि जब बारिश नहीं होती है तब सब किसान है वो राह देखते हैं कि बारिश कब होगी, वो बेचारे कुछ काम नहीं कर सकते। तो ये जो रूप है वो धीरे धीरे बदल रहा है। उसके बाद कहा कि अरे बेटा, कलयुग आ गया है, पता नहीं प्रकृति अपना रूप क्यों बदल रही है। दादाजी भी बोल रहे कि पता नहीं है कि प्रकृति है वो अपना रूप क्यों बदल रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दादाजी है दोनों बहनों को, यानी कि दोनों सिस्टर को बता रहे हैं। फिर क्या हुआ, माँ बोलती है अच्छा भी बेटा, चलो अब सब खाना खा लेते हैं, बातें तो होती ही रहेंगी। हाँ, बातों का क्या है, वो तो होती ही रहती है ना। सब साथ में खाना खा रहे हैं। अनुपमा ने टीवी पर न्यूज़ चैनल आ रहा था, टीवी ऑन किया तो क्या आ रहा था उसमें, न्यूज़ चैनल। नमस्कार, मैं हूँ अदिति मुखर्जी, अब सुनिए इस न्यूज़ चैनल के तेज तरार खबरें। ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़ आने से जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में वो बाढ़ आया, नदी में जो पूर आता है उसको बाढ़ कहते हैं, तो उसकी वजह से भारी नुकसान हुआ। ऐसे ही न्यूज़ चलते हैं, न्यूज़ में भी वही बात आई। देखो दादाजी, कहीं भी असमय की बारिश से भारी बाढ़ आ जाती है, पानी शहर के अंदर घुसने से लाखों लोगों का जीवन संकट में पड़ जाता है। कहीं लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे और कहीं प्रलय मचा हुआ है। इस तरह की प्रॉब्लम है सब जगह पे, कि हर जगह कुछ न कुछ है ऐसे प्रॉब्लम, कि कहीं ज़्यादा बारिश हो जाती है
तो कहाँ बारिश गिरती भी एक बूंद भी नहीं गिरती है। कहीं कहीं पे तो के ढेर सारी बारिश आ जाती और कुछ जगह पे क्या है बारिश ही नहीं आती है। तो इसलिए बता रहे कि देखो ऐसे सब जगह पे प्रॉब्लम है, इंडिया में ही प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, सब जगह पे ऐसे प्रॉब्लम है कि जिसका सामना सबको करना पड़ता है। दादाजी ने कहा अदिति जो न्यूज चैनल वाली है वो बता रही है वैज्ञानिक भी इस असमय की बारिश से हैरान है, इसमें तो किसी का कुछ नहीं चलता है। उनका कहना है कि यह पृथ्वी की जलवायु के बदलने का परिणाम है। क्या हो रहा है ये पृथ्वी के जलवायु के बदलने का परिणाम है। भारत के समाचारों में गंगोत्री का हिमनद पिघलने लगा है, बर्फ के पिघलने से शहरों के लिए खतरा बढ़ जा रहा है, नदियों का जल स्तर बढ़ने के भी संकेत आ रहे हैं। वैज्ञानिकों को अनुमान है कि ऐसा पृथ्वी के अधिक गर्म होने के कारण हो रहा है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि मानव क्रियाकलापों से पृथ्वी गर्माने लगी है, ये मौसमी परिवर्तन इसी का परिणाम है। अभी देखो वैज्ञानिक भी हैरान है कि ये बारिश का मौसम नहीं फिर भी बारिश आ रही है, और उसका कारण है कि पृथ्वी के अंदर जो है यहाँ पे ये गंगोत्री नदी भारत में, तो गंगा का जो बर्फीला हिस्सा है वो भी क्या हो रहा है पिघल रहा है। तो बोलेंगे सर वो हिमालय के बर्फ पिघलेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम, वो बात भी सही है, क्यों नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि पहाड़ में से बर्फ है वो पिघलेगा तो पानी किस में आएगा नदी में, और नदी ऐसे छोटे छोटे गांव में से भी चलती है तो उसका रूप छोटा होता है तो नदी में क्या आ जाएगा एक साथ इतना सारा पानी निकले तो फिर क्या होगा, क्या होगा सब पानी के साथ बह जाएंगे, क्योंकि नदी का स्वरूप कितना होता है छोटा छोटा होता है, तो फिर क्या होगा एक साथ इतना सारा पानी आ गया तो पानी का क्या होगा व्यय होगा, वेस्ट, पूरा पानी ऐसे ही चला जाएगा और कुछ काम आएगा, कुछ काम का नहीं है। तो इसीलिए ये क्या बोल रही है कि वैज्ञानिकों का भी मानना है कि जैसे ये पानी है वो हिमालय ये सब बर्फीले जितने भी बर्फीले प्रदेश है वहाँ से क्या होगा बर्फ़ पिघलने लगेगा, वो पिघला हुआ कहाँ आएगा नदी के अंदर, नदी में क्या हो जाएगा एक साथ पानी बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा अपने आसपास के एरिए को भी वो क्या लेगा अंदर ले लेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जल स्तर यानी कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ये सब जो जहरीले है उसका प्रमाण क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा गर्मी बढ़ाएंगे ना वो लोग, तो ज़्यादा गर्मी बढ़ेंगी तो गर्मी बढ़ेंगी तो क्या होगा जो बर्फीला प्रदेश है उसमें से बर्फ पिघलेगा और नुकसान ज़्यादा होगा, होगा ना। तो ये सब आया कहाँ से सर, तो यहाँ पे लिखा है कि ये सब मानव क्रियाकलापों से पृथ्वी गर्माने लगी है, ये सब किसकी वजह से हुआ हमारे वजह से, ऐसे थोड़ी ना वो सब ये जो डॉग कैट काव ये सब कभी देखा है कि वो लोग बाइक लेके घूम रहे हैं, देखा है कि हमारे घर के पास तो वो है ना काव है वो फोर व्हील लेकर निकलती है, देखा है कभी नहीं देखा कि ये बफेलो है वो एक्टिवा लेकर जा रही है, होता है नहीं होता है। तो ये क्या सर आप भी बता रहे हो, तो ये सब इंसान की वजह से हो रहा है,
कि ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल बढ़ते ही जा रहे हैं, कंपनियां खुलती ही जा रही है, तो ये क्या होगा, उसकी वजह से ये प्रदूषण होगा ना, तो उसके वजह से ये पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। और पोल्यूशन बढ़ने से क्या होगा सर, गर्मी बढ़ जाएगी, है ना। तो इसीलिए मानव क्रियाकलापों से ये मौसम परिवर्तन इसी का परिणाम है, उसी के वजह से ये सब हो रहा है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अनुपमा, दादाजी जो टीवी पर बता रहे उस उनका क्या कारण है। दादाजी पेड़ों को काटा जाना प्रदूषण फैलाते कारखानों की बढ़ती संख्या, सड़कों पर बढ़ता काला धुआं और ध्वनि प्रदूषण, है ना। अभी पेड़ क्या हो रहे, सब कट कर रहे पेड़ को, और कारखाने क्या हो रहे, मिल फैक्ट्री क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। सड़कों पर काला धुआं क्यों होता है, सड़कों पर क्या हो रही है, ज़्यादा से व्हीकल लेकर सब इधर से उधर घूम रहे हैं। हाँ, काम है, आप व्हीकल लेकर निकलो अच्छी बात है, लेकिन बिना काम का ऐसे 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 घूमेंगे तो क्या होगा, धुआं बढ़ेगा, प्रॉब्लम होगी। देखो बढ़ती संख्या, काला धुआं, ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सब होगा उससे, धीरे धीरे होगा ना। ये कारखाने वाले क्या करते हैं, जो अपना गंदा पानी होता है वो सब नदी नालों में जाने देते, तो हो गया जल प्रदूषण, या तो फिर खड्डा खोद के उसके अंदर पानी डाल देते, तो वो पानी कहाँ जाएगा, जमीन के अंदर, हो गया पॉल्यूशन। तो इस तरह क्या होगा, प्रदूषण बढ़ता जाएगा और प्रॉब्लम होगी। गांवों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन, पलायन यानी कि रहने के लिए जान, ज्यादातर लोग गांव में से कहाँ जाते हैं, शहरों में, ये सब इनके कारण है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो सूर्य से आने वाली गर्मी को पृथ्वी पर ही रोक लेती है। इस प्रकार पृथ्वी दिन प्रतिदिन गर्म हो जा रही है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, वो गर्मी को अपने अंदर खींच लेता है, तो उसका स्वभाव है वो, तो कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वो तो गर्मी को खींचता रहता, फिर पूरे पृथ्वी पर क्या होगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, तो होगा ना प्रॉब्लम। तो यही कारण है, सूर्य से आने वाली गर्मी को वो तो खींच लेता है, खींच कर रख देता है, स्टोर करता है गर्मी को तो फिर क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी और नुकसान होगा। तो इस प्रकार पृथ्वी दिन प्रतिदिन गर्म हो रही है। अदिति, इस प्रकार यदि वृक्षों को कटने से नहीं रोका गया तो हमें कई प्रकार के प्राकृतिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। पेड़ों को काटने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, असमय की बरसात से कृषि पैदावार नष्ट हो सकती है, वो बात भी सही है। इसी के साथ हम कल तक के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार। और मैं नहीं, वो तो अदिति बोल रही। फिर क्या हुआ, उसने बताया कि ये देखो, इस प्रकार यदि वृक्ष को काटने से नहीं रोका गया तो हमें कई प्रकार की प्राकृतिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। पेड़ों को काटने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, समुद्र में ये सब नदियां है, बर्फ पिघल कर किस में आ गया है, नदी में, तो नदी में से कहाँ चला जाएगा जल, समुद्र में, तो समुद्र में पानी बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा,
आसपास के जितने भी है, आसपास के रहने वाले, उन सब के घरों में पानी घुस जाएगा। तो ये होगा, तो ये समुद्र का जल स्तर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। उसने बताया हमें, देखो प्रलय यानी विनाश, भारी संहार, गंगोत्री, गंगा का उद्गम स्थान, गंगा जहाँ से निकलती है ना हिमालय में, उसको गंगोत्री कहते हैं। गंगा का एक नाम भी गंगोत्री है, भारत की सबसे बड़ी है वो नदी गंगा, और उसका जल है वो भी पवित्र माना जाता है, एकदम शुद्ध रहता था। तो उसमें भी अभी प्रदूषण फैल गया है, तो फिर क्या होगा, सब जगह पे पोल्यूशन 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 बढ़ जाएगा। ऐसे ही सब बिना देखे कुछ काम किया, बिना सोचे समझे कुछ भी किया, वृक्षों को काटते रहे काटते रहे काटते रहे, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। और हम जो लेते हैं ना ऑक्सीजन, O2, उसको बोलते हैं प्राणवायु, वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। हमें ऑक्सीजन कौन देता है, पेड़ पौधे। अभी पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो वो ऑक्सीजन कौन देगा, है ना। इसीलिए पेड़ को काटना चाहिए नहीं, पेड़ को पौधों को नुकसान करना चाहिए नहीं, उसको ध्यान रखना चाहिए उसका। कोई उसे काट रहा है तो रोकना चाहिए कि भाई क्यों काट रहे हो आप वृक्ष को, हाँ कुछ प्रॉब्लम है तो बात अलग है, वरना ऐसे ही वृक्ष को काट देना वो अच्छी बात नहीं है। और वृक्ष को काट काट कर ये लोग क्या करने लगे, अभी कारखाने कंपनियाँ वो सब लगा रहे। अरे भाई ये क्या है, तो यह देखा हमने, देखो लास्ट में हमने देखा प्रकृति संकटों का सामना करना पड़ सकता है, पेड़ों को काटने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, असमय की बरसात से कृषि पैदावार क्या होगी, नष्ट हो जाएंगी, है ना। क्या होगा, बारिश का मौसम नहीं और बारिश आएगी, बारिश का जब मौसम है तब बारिश का काम है, लेकिन तब बारिश नहीं आएगी, ये सब तो प्रॉब्लम है। तो वृक्षों को काटना चाहिए नहीं, वृक्षों को बचा कर रखना चाहिए। तो यहाँ पे इसी के साथ हम कल तक के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार। तो ये जो पार्ट 2 है वो भी हम यहाँ तक रखते हैं, है ना, मस्त चैप्टर है ये। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, उसमें हम ये आगे का पोर्शन है वो भी ख़त्म करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी उसमें ऐड कर देंगे। तो आपको याद रखना है कि यहाँ तक का पोर्शन हमने कंप्लीट किया, अनुपमा दे का अदिति का लास्ट में हमने देखा कि उसने नमस्कार करके कहा मिलेंगे हम कल। तो यहाँ तक हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तभी अनुपमा के पापा ऑफिस से आते हैं, वहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, है ना। तो यहाँ तक ये जो चैप्टर है उसका ये पार्ट 2 है वो हम यहाँ तक रखते हैं, समझ गए। आपको भी देखना, ध्यान रखना है, मैंने बताया कि क्या ध्यान रखना है, वृक्ष को काटना नहीं है, वृक्ष को लगाना है, उसका ध्यान रखना है, पेड़ पौधों को काटना नहीं है, समझ गए। तो ये लेक्चर यहाँ तक हम रखते हैं। आप सबको समझ में आ रही है ना बात, ये सब कि हमें क्या ध्यान रखना है ना, जरूरत है तो ही ऐसे व्हीकल को इधर से उधर घुमाना है, वरना नहीं घुमाना है। तो यहाँ तक रखते हैं हम, थैंक यू एंड गुड बाय। देखना आप लोग भी हो ठीक से, ओके गुड बाय।